Hello guys, welcome to my channel Traveler KP. Here I'm back with another fresh video about Ramdara Temple, Lonikarpur. इस वीडियो में हम देखेंगे रामदरा टेम्पल कहाँ पे है और रामदरा टेम्पल की हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रामदरा टेम्पल कहाँ पे है। रामदरा टेम्पल पुणे से अराउंड 26 किलोमीटर दूर है। पुणे से बाहर निकलने के बाद आपको सोलापुर हाईवे कंटिन्यू करना है टिल लोनिकार्पुर विलेज। लोनिकार्पुर से मंदिर तक जाने वाला रोड लोनिकार्पुर विलेज से होके गुजरता है। मंदिर का एग्जैक्ट लोकेशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको आप यहाँ तक पहुँचने के लिए यूज़ कर सकते हो। आप रामदरा टेम्पल आपके टू व्हीलर या फोर व्हीलर से आ सकते हो। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो तो लोनिकार्पुर विलेज से आपको शेयर ऑटो मिल जाएगी। तो ये है रामदरा टेम्पल का मेन गेट। यहाँ से अंदर जाते ही आपको टू व्हीलर और फोर व्हीलर का पार्किंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे टू व्हीलर और फोर व्हीलर के लिए पे एंड पार्क की सुविधा उपलब्ध है। तो हमने हमारी गाड़ी पार्क कर दी है और अभी चलते हैं मंदिर की ओर। हम लोग बारिश में गए थे तो व्यू वाज मेस्मराइजिंग। कहते हैं त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम वनवास गए थे तब प्रभु श्री राम सीता माँ और लक्ष्मण जी ने अपने वनवास का कुछ समय यहाँ पे बिताया था, उसी वजह से रामदरा टेम्पल को महत्व प्राप्त हुआ है। मंदिर के कैंपस में काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं, तो मंदिर का कैंपस हमेशा हरियाली से भरा हुआ रहता है। रामदरा टेम्पल के दर्शन टाइमिंग है सुबह 7 से लेके शाम को 5 बजे तक। तो यहाँ से आप जाते हो मुख्य मंदिर को। ये है मंदिर का मुख्य गाभारा। यहाँ पे प्रभु श्री राम सीता माँ और लक्ष्मण जी की मूर्तियाँ हैं। उसके साथ ही यहाँ पे एक शिवलिंग भी है। रामदरा टेम्पल के आसपास का तालाब कृत्रिम तरीके से बनाया गया है।
पुराने जमाने में यहाँ पे सिर्फ मंदिर हुआ करता था। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर कंस्ट्रक्शन के साथ तालाब बांधा गया और ये तालाब की वजह से मंदिर काफी आकर्षक लगता है। मंदिर के पीछे एक छोटा सा गार्डन है। यहाँ पे पर्यटकों को बैठने के लिए बेंचेस बनाए गए हैं, कुछ हट्स बनाए गए हैं और यहाँ पे काफी बड़े बड़े पेड़ भी है, तो पेड़ की छाव में लोग टाइम बिताना पसंद करते हैं। रामदारा टेम्पल आप अगर सैटरडे संडे आ रहे हो तो आपको अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलेगी। थोड़ा सा आगे जाने के बाद आपको और एक छोटा सा हट देखने को मिलेगा और यहाँ पे एक ब्रिज बनाया गया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग फोटोज निकाल रहे थे। रामदारा टेम्पल आप फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ और कपल आ सकते हो। पुणे से आने वाले लोगों के लिए इट्स अ हाफ डे पिकनिक स्पॉट। तो ये था ऑल अबाउट रामदारा टेम्पल लोनी कालपुर। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।